वो ये है, उसको कहीं लिख लीजिए। पहला एनालिसिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई लाइन्स वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू एंड वाई इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री इज। अगर तीन लाइन है, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू और y इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री आपके पास है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का डायरेक्ट मेथड है आपके पास 1/2 मॉड सी वन माइनस सी टू का होल स्क्वायर बाई एम वन माइनस एम टू, सी टू माइनस सी थ्री का होल स्क्वायर बाई एम टू माइनस एम थ्री और सी थ्री माइनस सी वन का होल स्क्वायर बाई एम थ्री माइनस एम वन। इसमें आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा के एरिया निकाल सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें हम y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन होगी तो आप पॉइंट निकाल के ही अपना आंसर निकालेंगे, उसके अलावा कोई सिचुएशन होगी तो आप ये काम करेंगे। इसका मतलब एम वन एम टू एंड एम थ्री शुड बी फाइनाइट इस फॉर्मूले के लिए। तो अगर m1, m2, m3 फाइनाइट है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा के आप सीधा लाइन के इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे और सीधा ये रिजल्ट लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लो जरा, अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, देखिए जल्दी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, देखो जल्दी हो जाएगा कि नहीं भाई। सबसे पहले लाइन के इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिख लो। तो पहली लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू, पहली लाइन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस थ्री। दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, y is equals to x by 3 plus 3 और तीसरी लाइन क्या आ जाएगी, y is equals to 3 by 2 x plus 1 by 2। तो फॉर्मूला लगाओ तो एरिया का फॉर्मूला आएगा 1 by 2, मान लो ये पहली लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी, तो 1 by 2 c1 minus c2 तो 0 हो जाएगा by m1 minus m2। फिर अगला क्या आएगा, c1 minus c2 मतलब 5 by 2 का होल स्क्वायर by m1 minus m2। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, c1 minus c2 मतलब minus 5 by 2 का स्क्वायर by m1 minus m2। इसी को ऐड करके सिंपलीफाई कर दीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं। इसी को ऐड करके सिंपलीफाई करिए, देखिए आंसर आ रहा है। हाँ भाई, तो इसका आंसर आ रहा होगा 10/7, यही आंसर है। देखा, आप पॉइंट निकालते तो उससे भी सेम यही आंसर आपका आ जाता। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट आपको लाइन पे मिल जाएगा। ये तो पहली ऑब्जर्वेशन वाली चीज थी, लाइन की इक्वेशन से इसका स्लोप मिल जाएगा 3/4। अब इसी को एंटी क्लॉक सेंस इसी पॉइंट से रोटेट करना है, कितने एंगल से, 45 डिग्री एंगल से। तो इस लाइन लाइन का स्लोप मिल जाएगा लाइन की इक्वेशन। माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी y1 is equals to 1045 3/4 minus m upon 1 plus 3m/4 लिख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3m/4 plus 1 is equals to 3/4 minus m। तो अब सब एक तरफ ले लीजिएगा, तो 7m/4 is equals to 1/4 minus का, तो m की वैल्यू कितना आ रही, -1/7 आ रही। अब आप y minus 1 upon x plus 1 is equals to minus 1 by 7, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 7y plus x सर, a ऑप्शन आ रहा है, a या c? यस सर, a। बात समझ में आ गई भाई सबको, ये सारी डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के सारे सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला सेंटर जो आता है वो आता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। तो सेंट्रोइड के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए वो सिंपल सी इतनी है कि जो भी मीडियन आप खींचेंगे, जैसे आपने ये वाला मीडियन ड्रॉ किया तो ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा,
तो इसका मतलब ये और ये तो मिड पॉइंट हो गया डी, ये हो गया आपका बी, ये सी हो गया और ये हो गया ए, ये हो गया मीडियन सेंट्रोइड जिसे हम जी कहेंगे, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ट्रायंगल के वर्टेक्स हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कहते हैं तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आप सीधे निकाल लेते हैं जी, दैट इज x1 + x2 + x3 / 3, और ये आ जाता है y1 + y2 + y3 / 3। ये आप सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आराम से 2:1 का रेशियो लेके हर बार निकाल लेंगे। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड डिवाइड्स एवरी मीडियन विद रेशियो 2:1। तो सेंट्रोइड हर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो, जैसे अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपने बनाया, मान लो ये एक सेंट्रोइड आया, तो सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप इसको ज्वाइन करो और ये तीन ट्रायंगल बनेंगे ए बी सी। तो अगर इसका एरिया डेल्टा वन है, इसका एरिया डेल्टा वन, इसका एरिया भी क्या होगा डेल्टा वन, यानी कि तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट बताओ जिससे साइड को लेकर तीन ट्रायंगल बनाए गए, तीनों का एरिया सेम है, तो वो पॉइंट सेंट्रोइड होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए अ पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑन द ट्रायंगल अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, सेफ साइड ले लो, अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल फॉर विच एरिया ऑफ अ पॉइंट पी, ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी, फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, पी ए बी, ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी सी ए आर इक्वल, देन पॉइंट पी इज सेंट्रोइड। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि P एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर इन तीन ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो जो पॉइंट P होगा वो हमेशा क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, क्योंकि ऐसा तभी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मीडियन जो लाइन होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, मीडियन जो लाइन होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ सेम, बेस और हाइट सेम, तो बेस हाइट तो दोनों हाफ का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, और मीडियन एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कहा गया कि सेंट्रोइड पूछा गया, आपसे कहा गया कि ऐसा पॉइंट बताओ जो ट्रायंगल के अंदर है और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम बन रहा है, तो आपको बेसिकली निकालना कौन सा पॉइंट है, सेंट्रोइड। और अगर हमें सेंट्रोइड निकालना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, जी पॉइंट निकाल देना होगा, यानी x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3, और हम आराम से सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे। चलिए, सेंट्रोइड के बाद अगला जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं कि पहले तो सर्कमसेंटर होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सर्कमसेंटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचते हैं तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, अगर आप ट्रायंगल के अंदर क्या खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींच रहे हैं, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसे ही हम क्या नाम देते हैं, उसे ही हमने नाम दे रखा है सेंट्रोइड का, सॉरी सर्कमसेंटर का, ओ। तो ये हो गए आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड्स को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर। तो तीनों बाइसेक्टर आप निकाल लो, एक बार आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिए, तीनों को सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि पहली तो कॉन्सेप्चुअली इंफॉर्मेशन यही हो गई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो अब एक शॉर्टकट है, मान लो कि दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x2 y2, और आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है। क्या लिखना है भाई, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 and x2 y2, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है। तो इसका शॉर्टकट होता है x into x coordinate का डिफरेंस, y into y coordinate का डिफरेंस इज इक्वल टू पहले वाले पॉइंट के स्क्वायर का सम माइनस दूसरे वाले पॉइंट के स्क्वायर का सम और होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपने उसी इंफॉर्मेशन से निकाला है, मतलब सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर इसके स्लोप का से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखते हैं, फिर पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करते हैं, हम ये रिजल्ट डायरेक्ट लगाते हैं जब भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना होगा तो हम हमेशा यही शॉर्टकट लगा देंगे। समझ गए कि नहीं शॉर्टकट, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, समझ गए, तो आपको हमेशा यही शॉर्टकट लगा देना है। क्या, x into x coordinate का डिफरेंस, y into y coordinate plus y into y coordinate का डिफरेंस, फिर पहले वाले पॉइंट के स्क्वायर का सम दूसरे वाले पॉइंट के स्क्वायर का सम, दोनों को सब्ट्रैक्ट बाय 2, खत्म। समझ गए कि नहीं, तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व एनी टू इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेंगे, है ना, और उन्हीं को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, हमेशा क्या निकाल लिया करेंगे, सर्कम सेंटर। तो जब भी हमें कभी भी सर्कम सेंटर निकालना होगा, है ना, तो सर्कम सेंटर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे और उनको सॉल्व करके सर्कम सेंटर। क्लियर है, अब ये पॉइंट हमें x1 y1 दिया रहेगा, ये पॉइंट x2 y2 दिया रहेगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लेंगे, ये पॉइंट x3 y3 दिया रहेगा, तो कोई भी दो, मान लो हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लें, ये रिजल्ट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लें, यही सेम रिजल्ट लगा के, और दोनों को सॉल्व करके आंसर लिख लें। दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर पॉइंट होने के बाद निकालने का तरीका सिंपल है, और उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखने का तरीका ये एकदम सिंपल है। आप यही इंफॉर्मेशन हर बार लगाएंगे और आराम से आप हर बार सर्कम सेंटर कैलकुलेट करके लिख लिया करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई, बोलिए भाई। अच्छा, अब हमने सर्कम सेंटर निकाल लिया, तो सर्कम सेंटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है कि किसी भी सर्कम सेंटर जो होता है वो सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। सर्कम सेंटर जो होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब आप साइड्स का ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड हो जाती है ना, और सर्किल के लिए जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये जो सर्कम सेंटर है वो सर्कम सर्किल का सेंटर होता है, यानी कि सर्कम सेंटर जो है वो क्या होता है, इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल, मतलब जो सर्किल इसको एक्सक्राइब करता है उसका। समझ गए कि नहीं, क्योंकि तभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में एक उसी पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये सर्कमस्क्राइब से बन रहा है तो ऑब्वियसली O की A से डिस्टेंस, O की B से डिस्टेंस और O की C से डिस्टेंस क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, और ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये किसके बराबर होंगी, आर के। तो आर मतलब सर्कम रेडियस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो ये सर्कम रेडियस हो गया O की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस के बराबर। तो सर्कम सेंटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है कि ये सर्कम सर्किल का सेंटर होता है, ठीक है। यानी अब अगर हमें ट्रायंगल के लिए एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे हो, हमें ट्रायंगल के लिए एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो तीनों वर्टेक्स से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, सर्कम सेंटर, यानी कि अ पॉइंट फॉर ट्रायंगल ए बी सी विच हैविंग
क्या इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन पे बेस पूछ लिया जाता है कि आप ट्रायंगल के रेफरेंस में एक ऐसा पॉइंट निकाल के बताइए जो तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस पे हो। तो बेसिकली आपको कौन सा पॉइंट निकालना है, सर्कम सेंटर। तो कई बार क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन पे ही होता है कि जिसकी डिस्टेंस तीनों पॉइंट वर्टेक्स से इक्वी हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर। तो ये बात हो गई सर्कम सेंटर पे, जो जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट वर्टेक्स आता है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। अच्छा, अब ऑर्थो सेंटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने किसी भी ट्रेंगल के ऑर्थो सेंटर को डिस्कस किया तो आपको ट्रेंगल के एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एल्टीट्यूड मतलब इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर। मतलब ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्वेश्चन इन्हीं इंफॉर्मेशन पे ही बेस होंगे। समझ में आया कि नहीं, इसके अलावा वो और किसी इंफॉर्मेशन पे बेस नहीं हो सकते। तो जैसे एबीसी ट्रायंगल आपने खींचा, ये एल्टीट्यूड्स हो गए एडी एई और एएफ। तो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसे ही हम क्या कह देंगे, ऑर्थो सेंटर कह देंगे। तो एल्टीट्यूड है तो ये ऑर्थो सेंटर एच हो गया, तो ऑब्वियसली एल्टीट्यूड है तो लाइन परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब एएच जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, बीसी के। बीएच जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, एसी के। और जो सीएच लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, एबी के। क्लियर है, यानी कि स्लोप ऑफ एएच जो है और स्लोप ऑफ बीसी, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन। फिर स्लोप ऑफ बीएच और स्लोप ऑफ एसी का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे, एच। क्योंकि अगर ये वर्टेक्स क्या होगा, एक्स वन वाई वन होगा, ये वर्टेक्स एक्स टू वाई टू होगा और ये वर्टेक्स एक्स थ्री वाई थ्री होगा। तो इस वर्टेक्स को एक्स वाई मान के स्लोप वाली कंडीशन लगा देंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो अगर हमें कभी भी सर्कम सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर निकालना होगा तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसका यूज करके आप आराम से हर बार हर जगह ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं, यानी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स पता है और ऑर्थो सेंटर पता है, तो तीसरा वर्टेक्स भी सेम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं। मतलब ऑर्थो सेंटर के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल के लिए आप सीधा इंफॉर्मेशन लगाएंगे। अच्छा, अगर हमें एक शॉर्टकट और है हमारे पास, अगर हमसे कहा गया कि दो पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए हमें, जो कि किसी तीसरे पॉइंट एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री से पास कर रही है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। समझ गए, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू ऑल्सो पासेस थ्रू एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है ना, कॉमा इज, उस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स की जगह वो वाला पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स टू, और वाई की जगह वाई थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये शॉर्टकट आप डायरेक्ट लगा के इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हमने उसी कॉन्सेप्ट से निकाला है, स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन करके, कोई नया काम हमने नहीं किया है। मतलब अगर आप इसका लॉजिक देखोगे तो वो यही है,
भाई ऑब्वियसली हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन को हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई थ्री अपॉन एक्स माइनस एक्स थ्री, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू विद अ माइनस साइन, और वाई वन माइनस वाई टू माइनस वन बाई एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो यही आंसर आ जाएगा। बट ये काम हम इतनी बार 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 क्यों करेंगे, स्लोप और ये सब लिखे हम सीधा ये रिजल्ट लगा देंगे, और ये रिजल्ट ध्यान रखना मतलब दिमाग में रखना बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए। सोच के देखो भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो x into this x1 minus x2 y plus y into y1 minus y2, फिर x3 into x1 minus x2 plus y3 into y1 minus y2, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें ये अल्टीट्यूड लिखना है तो इस अल्टीट्यूड की इक्वेशन हम सीधा लिख देंगे, ये अल्टीट्यूड लिखना है तो इसकी इक्वेशन भी सीधा लिख देंगे, और दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? तो कोई भी दो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे आपको हमेशा ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। बात हो गई खत्म, यहाँ तक ऑर्थो सेंटर के बारे में लिखी सारी बातें सबको समझ में आ गई। इसके बाद अगला जो सेंटर आता है उसको आता है इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो होता है एंगल बाई सेक्टर का, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाई सेक्टर खींचे जाते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसे हम कहते हैं इन सेंटर। तो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपने खींचे और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसे आपने नाम दिया इन सेंटर। तो यानी कि इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो जितने भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आप खींच रहे हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसे ही हम नाम दे देते हैं इन सेंटर का। क्लियर? अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो रे वाली इंफॉर्मेशन है कि आप अगर किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हैं, जैसे इस एंगल का आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो इंटरनल एंगल आपने इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सपोज ये है, ठीक है, तो वो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली साइड को m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये a है, ये b है और ये c है, तो ये साइड लेंथ, तो जो ये m by n रेशियो होता है ये रेशियो हमेशा ab by ac के बराबर होता है। मतलब कोई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को एंगल मेकिंग साइड की लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी, जो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है इसको जो ये इन सेंटर होता है AI, वो डिवाइड AI वर्सेस DI जो रेशियो होता है वो होता है दोनों साइड के का जो सम होता है एंगल मेकिंग का, यानी कि AB plus AC अपॉन सामने वाली साइड BC, ये इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये हर साइड के, हर एंगल के, हर इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर के लिए वैलिड स्टेटमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, AD जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर AD क्या है, where AD is internal angle bisector bisector of angle A। तो जैसे खींचेंगे तो उसको एंगल मेकिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऑब्वियसली अगर हमें यहां से इस पॉइंट को अगर हम कह दें x1 comma y1 है, इस पॉइंट को हम कह दें x2 comma y2 है, सही ना, और इस पॉइंट को हम कह दें x3 comma y3, और फिर हमें इन सेंटर आई निकालना हो, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम साइड निकाल लेंगे। तो a के सामने की साइड लेंथ a आ गई, b के सामने की साइड लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से b आ गई, और c के सामने की साइड लेंथ डिस्टेंस फार्मूले c आ गई। तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगा के इन सेंटर का जो रिजल्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है a into x1, b into x2, c into x3 by a plus b plus c। सेम ये फार्मूला जो आप नीचे रिजल्ट लिखा है इसको जब यूज करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो a into x1, b into x2, c into x3, मतलब जो साइड ले रहे हैं उसके सामने वाला वर्टेक्स a plus b plus c, ऐसे ही a into y1, b into y2, c into y3 by a plus c। तो अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता है तो आप सीधा ये डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड लेंथ निकाल लो और फिर सीधा ये रिजल्ट लगा के आप इन सेंटर डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेरी बात सुनिए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया इन सेंटर, और कोई भी एंगल बाइसेक्टर लाइन जो है वो सामने वाली साइड को एंगल मेकिंग साइड की लेंथ में
के रेशियो में डिवाइड करती है। ये दो चीजें एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन पे किसी एक इंफॉर्मेशन पे बन जाता है जनरली, अगर उसमें इन सेंटर इन्वॉल्व होगा तो। अच्छा, इन सेंटर के बारे में अगली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इन सेंटर जो होता है वो एक ऐसे ट्रायंगल का सेंटर होता है, मतलब एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो सर्कल तीनों साइड को टच करता है, जिसे हम कहते हैं इन सर्कल। तो इन सर्कल का ऑब्वियसली इन सर्कल का ही सेंटर होगा क्योंकि उसी में ये एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट की तरह ट्रीट हो रहे होंगे, एक्सटर्नल टेंजेंट की तरह। तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हम आई का नाम दे देंगे। तो ये ए बी सी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इन सेंटर होता है वो सेंटर होता है किसका, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जो इन सेंटर आई होता है वो क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है किसका, इन सर्कल का। तो इन सर्कल है तो तीनों साइड को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, यानी कि तीनों साइड से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। यानी इन सेंटर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन भी रिवर्स में आपसे पूछी जा सकती है, मतलब अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच हैविंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की साइड से इक्विडिस्टेंस पे होगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बोलो, इन सेंटर। तो कई बार आपसे इन सेंटर डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट पूछ लिया जाएगा जो कि इक्विडिस्टेंस पे होगा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पे, तो भी वो पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, इन रेडियस जिसे हम कहते हैं इन रेडियस, ये रेडियस इन रेडियस हो गई जो डिस्टेंस है। तो जो इन रेडियस आर होती है, जो इस ट्रायंगल की सर्किल की रेडियस हो गई, वो होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाफ ऑफ पेरीमीटर। सही है? तो इसको अगर आप एज अ फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो वो डेल्टा बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई टू की तरह ट्रीट हो जाता है। ये स्मॉल आर का रिजल्ट होता है। अगर आपको निकालना कहीं पड़े तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये रिजल्ट दोबारा से आएगा तो देख लीजिएगा। इन सेंटर में इतनी इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इन सेंटर से मिलता जुलता एक रिजल्ट होता है एक्स सेंटर का। बस वो एज अ रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उससे मिलती जुलती चीजें आपके सामने कभी आ सकती है फ्रेम करके, क्योंकि मिलता जुलता है। तो एक्स सेंटर की बात सिंपल सी ये होती है कि एक्स सेंटर का मतलब हुआ ऐसे सर्कल का सेंटर, भाई ऐसे जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल के इनसाइड है और इस ट्रायंगल के, भाई एक इनसाइड वाला था तब आपने उसको क्या कह दिया था, अगर यही इनसाइड वाला था तो आपने उसको एक्स सर्कल, ओ सॉरी सर्कम सर्कल कह दिया था, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा था। अगर अंदर था तो आपने उसको इन सर्कल कह दिया था। अब आपने ये बनाया ऐसे करके, तो ये क्या है, आउटसाइड है, बट टच अभी भी तीनों साइड को कर रहा है। सही है? तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, जिसके सामने है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया होगा। सही है ना? मतलब जिस ट्रायंगल, जिस एंगल के सामने ये सर्कल है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है और बाकी दोनों एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है। सही है? तो जो सेंटर बन रहा है वो ये है, यानी कि ये हो गया ए बी सी। तो ऐसे कितने सर्किल बन सकते हैं भाई, तीन एंगल हैं, हर एंगल के सामने एक बनेगा, तो ऐसे तीन सेंटर हो सकते हैं। तो बस इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर हम आई ए की बात कर रहे हैं और ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है और ये एक्स थ्री वाई थ्री है, तो हमें एक्स सेंटर आई ए अगर निकालना है तो वो ए के सामने है, तो बस ए वाला साइड लेंथ माइनस कर दीजिएगा, बाकी सेम फॉर्मूला जो इन सेंटर में आता है वही लगेगा। तो a में a माइनस a हो जाएगा, तो माइनस a x1 b x2 c x3, तो a में माइनस हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, ऐसे ही माइनस a y1
बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही आप सीधे इंफॉर्मेशन लगा दीजिएगा तो आपको x सेंटर से की कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब बताओ अगर यहीं पे मैं आई भी लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, बोलो। सेम एज आई बी एंड आई सी, आई बी के लिए किसको माइनस कर दोगे, बी को, और आई सी के लिए किसको माइनस कर दोगे, सी को। बस ये फर्क है, समझ में आया। सेम यही फॉर्मूला एक्स सेंटर में लगा देंगे, बस उसको आप माइनस कर देंगे तो वो ए बी के सामने आई बी बन जाएगा और सी के सामने आई सी बन जाएगा। क्या यहां तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो तीनों सेंटर्स के लिए एक साथ लगती है। उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जो ये सेंटर्स होते हैं ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर, ये एक लाइन पे होते हैं विद रेशियो 2:1। ये पहली इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर किसी भी ट्रायंगल के लिए लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन, या हम कह दें तीनों क्या होते हैं भाई, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। और किस जी जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, जी डिवाइड्स, ये तो आपने लिखी लिया, ये जी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, बोलिए, 2:1 के रेशियो। जी जो है वो एच और ओ को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पर बेस क्वेश्चन दो या तीन बार केवल इसी इंफॉर्मेशन पे बेस क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं। सेकंड इंफॉर्मेशन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिस पॉइंट पे वो राइट एंगल बना रहा है वो पॉइंट आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। तो ये जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, सर्कम सेंटर। ये वही ट्रायंगल वो सर्कल वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया कि राइट एंगल है तो ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो गया और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस सर्कम सेंटर हो गया। और अगर हमें सर्कम रेडियस की बात करनी होगी तो एसी बाई टू हो गया, एसी डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे ना, हाइपोटेनस की लेंथ और उसका हाफ करेंगे तो हम समझ गए ना सर्कम रेडियस, सही है, तो वो एसी बाई टू हो जाएगी, मतलब सर्कम सर्कल की रेडियस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सीधे इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये इंफॉर्मेशन आप राइट एंगल ट्रायंगल में सीधा निकालें अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो, ठीक है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इंफॉर्मेशन सीधे आ गई। अच्छा, इसके बाद तीसरा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो सारे सेंटर एक ही जगह आ जाते हैं, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर, फिर सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर, ये कॉन्साइड्स कर रहे हैं, कॉन्साइड्स ईच अदर, मतलब सब एक ही जगह आ गए तो हम कहेंगे देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ये ध्यान रखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे सेंटर क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं, चाहे वो जी हो, चाहे वो ओ हो, चाहे वो एच हो और चाहे वो आई हो, सारे सेंटर क्या करते हैं, कॉन्साइड। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर आपको कोई भी सेंटर निकालना है तो सारे सेंटर का कोऑर्डिनेट सेम हो जाता है, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, सारे सेंटर का कोऑर्डिनेट सेम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है एल्टीट्यूड, उसके लिए एंगल बाइसेक्टर, उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो सब कोइंसाइड करते हैं। तो उसके लिए जी निकालो, उसके लिए जी निकालो, या उसके लिए क्या निकालो, एच निकालो, या उसके लिए आई निकालो, या उसके लिए ओ निकालो, सब सेम होते हैं, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। इसके बाद अगर सारे सेंटर एक ही लाइन पे हो, भाई तीन सेंटर तो एक लाइन पे होते ही हैं, अगर इसी लाइन पे इन सेंटर भी आ गया तो वो आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है। ये भी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब
अगर मैं आपसे कहूं जी एच आई एंड ओ लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, समझ गए कि नहीं? ये एच हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये आपका जी हो गया और ये आपका आई हो गया, ये सब सेम लाइन पे हो, देन ट्रायंगल इज एक आइसोसेलेस। मेरी बात समझ आ गई? यानी उसकी दो साइड लेंथ इक्वल होंगी। अच्छा, ये जो लाइन होगी जिस पर ये सारे सेंटर लाई कर रहे हैं, वो लाइन होगी अनइक्वल एंगल का एंगल बाइसेक्टर। जिस लाइन पर ये सारे सेंटर लाई कर रहे हैं, वो लाइन जो होगी जिस पर ये सारे सेंटर लाई कर रहे हैं, वो होगी अनइक्वल एंगल का एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया कि नहीं? ये भी उस लाइन की इक्वेशन भी एक क्वेश्चन में पूछी गई है। मतलब द लाइन वेयर जी एच आई एंड ओ लाइज इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनइक्वल एंगल, या मीडियन भी कह सकते हो, लेकिन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनइक्वल एंगल कह दो तो उसमें वो सारी लाइनें सेम हो गई ना। यही ए से डाला गया मीडियन हो गया, यही ए से डाला गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हो गया, यही ए से खींचा गया क्या हो गया, यहां से खींचा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो सारा कुछ यही हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? क्योंकि ये सेम लेंथ है तो ये रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए? तो ये भी इंफॉर्मेशन, इस पर भी बेस क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा था। अब लास्ट जो इन्फॉर्मेशन इस पे मिक्स क्वेश्चन एक बार बना है वो ये है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन है, मतलब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री है, और आपसे कहा गया सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ओरिजिन, देन जो उसका ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है ना, वो वर्टेक्स का सम होता है, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। बट याद रखिएगा, ये रिजल्ट आप तब लगाते हैं जब सर्कम सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, तब ऑर्थो सेंटर ये रिजल्ट हो पाएगा। अच्छा, ये कैसे होगा कि कई बार तो ये डायरेक्ट दिया होगा, कई बार आपको ऑब्जर्व करना होगा कि अगर ऐसा हो जाए कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर एंड एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर सेम आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्स्टेंट आ जाए, तो ऑब्वियसली ओरिजिन क्या हो गया, बताओ? ओरिजिन से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम आ गई ना, तो ओरिजिन इज सर्कम सेंटर हो गया कि नहीं, बोलो? क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो ओरिजिन तुरंत क्या बन गया, सर्कम सेंटर। जैसे ओरिजिन सर्कम सेंटर बना, तुरंत हम इसके बाद क्या निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर, वर्टेक्स का सम, कह देंगे, आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो कई बार कैलकुलेशन बहुत ही इजीली हो जाता है, बट ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैक्सिमम इतनी ही शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन है जो तीनों सारे सेंटर्स को मिक्स करके आपसे पूछी जा सकती है। इन सारी इंफॉर्मेशन को क्यूमुलेट आया भाई, भाई सिंपल सी बात थी, ये ट्रायंगल था, ये वर्टेक्स 1,0 था और इसका मिड पॉइंट आपको दिया था सर सी पार्ट 2,3, तो इसका ट्वाइस, ये मिड पॉइंट है ना, तो इसका ट्वाइस माइनस दिस, तो ये पॉइंट कितना आ गया माइनस वन, इसका ट्वाइस माइनस दिस, तो 4 आ गया, ऐसे इसका ट्वाइस तो ये 3 आ गया, ऐसे इसका ट्वाइस तो ये 6 आ गया। अब सीधा सेंट्रोइड निकाल दो, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई थ्री, दिखा क्या, बोलो, सही लिखा? यस सर, यस। तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, कुछ गड़बड़ हो गया, 2,3 माइनस 1,2 मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, टू साइड पासेस टू दिस वर्टेक्स, सही तो क्या है, माइनस वन माइनस टू, अरे हाँ माइनस टू माइनस वन, ये माइनस थ्री आएगा ना बेटा,
तो ये आ जाएगा 1/3 और x1 plus x2 plus x3 by 3, 10/3. देखो ये आंसर आ गया. दिखा क्या सबको? मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के पहले वर्टेक्स निकाला और फिर सीधा आंसर. ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब एक साइड है x equals to 2, एक साइड है y equal to -1. तो इससे क्या मिला? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. बोलिए भाई. यस सर. तो बस ये वाली साइड दोनों को जहां कट कर रही होगी उसी का मिड पॉइंट अब हमें निकाल देना है. क्या हम क्वेश्चन पर पहुंच पाए? तो जैसे x इक्वल टू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. और जैसे ही y को -1 रखोगे तो x कितना आ जाता है? 3. देखो इन्हीं दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे आपको सर्कम सेंटर में कितना आया? सर्कम सेंटर बताओ. y को जैसे ही -1 रखोगे तो ये 3 आएगा और x को जब 2 रखोगे तो कितना आएगा? ये हो गया. क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. ये हो गया ओरिजिन. सर क्या आएगा? ये 6 आएगा ना. तो ये दोनों का मिड पॉइंट 4.0 आएगा. कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया. हाँ ठीक है. बस सिंपल सी बात थी. बस ये ऑब्जर्व करना था ये राइट एंगल ट्रायंगल है खत्म. तो इसके बाद सीधा राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करते ही सीधा आंसर दे दिया. चलिए तो लॉजिक के हिसाब से तुरंत क्या करोगे? ट्रायंगल्स आपके सामने दिए हुए तो ये वाला वर्टेक्स आपको निकालना है. मान लो ये अल्फा बीटा है ना. और ये वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 5-1, ये -2-3 है. ये ए बी सी हो गया. और जो इसका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है यानी एल्टीट्यूड का जो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना दिया हुआ है? ओरिजिन. यानी एच जो है वो हमें ओरिजिन दिया हुआ है. तो बस एक बार क्या करो, ए एच का स्लोप और बी सी का स्लोप ये प्रोडक्ट माइनस वन कर दो एक इक्वेशन. और एक बार क्या करो, बी एच का स्लोप और ए सी का स्लोप माइनस वन कर दो. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप अल्फा बीटा में इक्वेशन बना के आंसर निकाल दोगे. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहली इक्वेशन शायद बनती है बीटा बाई अल्फा इंटू 4, 3-1, 4-2 इक्वल टू -1. और दूसरी इक्वेशन बनती है बी एच यानी कि -1/5 और एसी करोगे तो क्या आ जाएगा? बीटा -3/(α+2) इक्वल टू -1. देखो यहाँ से क्या आ रहा है. इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो एक इक्वेशन शायद आती है 7α = 4β और एक इक्वेशन आती है 5α यानी -5α और शायद -5α - 10 एंड 3. तो ये शायद इधर आएगा. तो 5α - β इज इक्वल्स टू -13 आ रहा. देखो दूसरी इक्वेशन. इन्हीं दोनों को सॉल्व करोगे तो अल्फा शायद -4 और बीटा शायद -7 आ रहा. देखो तो जो वर्टेक्स आ रहा है वो -4, -7. चेक करो क्या सही लिखा है मैंने कैलकुलेशन. सही लग रहा मुझे. यस सर. चलिए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन देखते हैं. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन में सिंपल सी बात है, कोई एक लाइन है ठीक है जिसका स्लोप आपको दिया हुआ है यानी कि अ लाइन ऑफ स्लोप m. तो ऑब्वियसली जैसे उसका स्लोप m है तो उस m को हम तुरंत क्या कह सकते हैं? tan थीटा कह सकते हैं. और इस tan थीटा की हेल्प से हम तुरंत sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं. तो M का मतलब ये हो गया कि लाइन जो है वो एक्सिस के साथ किस एंगल पे है ये आपको पता है. इस लाइन पर एक पॉइंट दिया गया है x1, y1. उससे r यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है x, y. तो लाइन की इक्वेशन होती है x - x1 / cos θ y - y1 / sin θ = r. ये इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है. समझ गए? जहां पे r जो है वो वेरी कर रहा होता है और थीटा जो है वो कांस्टेंट होता है. क्योंकि अगर हम इसी का रिवर्स कर देंगे तो ये इक्वेशन तुरंत किसकी बन जाएगी? सर्कल की. भाई r लगातार इस पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस जो है वो तो लगातार चेंज कर रही है. लाइन के लिए थीटा फिक्स है तो हर बार r हम चेंज करते चले जाते हैं. तो हर बार r यूनिट डिस्टेंस पे अगर हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम पैरामेट्रिक का यूज करते हैं. तो पैरामेट्रिक में हमें एक तो स्लोप
इस स्लोप की हेल्प से हम साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं और फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट आर यूनिट डिस्टेंस पे दोनों को इक्वल करके निकाल लेते हैं। तो यानी कि हम पैरामीट्रिक का रिजल्ट कहाँ यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं जहां पर हमें डिस्कस करना हो अ पॉइंट ऑन द लाइन एल जिसका स्लोप हमें क्या दिया है एम, मतलब टेन थीटा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है ना। अ पॉइंट ऑन द लाइन एल विथ स्लोप दिस विच हैविंग आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 जो पॉइंट है वो कहां है, लाई ऑन द लाइन इज, उसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो होता है x1 plus r cos थीटा y1 plus r sin थीटा। अच्छा यही पॉइंट प्लस आर यानी इधर वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है, रिवर्स जाओगे तो माइनस आर भी हो सकता है, तो इसी पॉइंट को हम प्लस माइनस आर में ले लेते हैं। मतलब सेम, अगर हमें कभी भी किसी भी लाइन पर किसी आर यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट का डिस्कशन करना है, किसी भी लाइन पे आर यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट का डिस्कशन करना है, तो हमारा पूरा एनालिसिस सबसे पहले किस पे जाना चाहिए, पैरामीट्रिक पॉइंट पे जाना चाहिए। तो हम तुरंत पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन को सोचेंगे और उसके लिए हम आर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जहां पर इस थीटा को डील करने के लिए हम क्या निकालेंगे, लाइन का स्लोप। कई बार हम स्लोप निकालने के लिए भी पॉइंट मानेंगे, कई बार डिस्टेंस निकालने के लिए भी पॉइंट मानेंगे और फिर एनालिसिस करके ये सेम रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो कभी भी हमें अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन हर उस सिचुएशन में यूज होगा जहां हमें एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करना है जो किसी गिवन पॉइंट से आर यूनिट डिस्टेंस पे है और एक सेम लाइन पे। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर पॉइंट सेम डायरेक्शन में है, मतलब अगर किसी सेम डायरेक्शन में सारे पॉइंट ले रहे हैं तो ये सारी डिस्टेंस सब सेम प्लस मिलेंगे, मतलब ये आर वन लेंगे, ये आर टू लेंगे, और यही डिस्टेंस अगर रिवर्स में चली गई साइमल्टेनियसली तो इसको हम माइनस में ले लेंगे। तो यानी अगर एक डायरेक्शन की हम बात करें तो हम सारे पॉइंट में डिस्टेंस प्लस मिलेंगे एक तरफ, चाहे अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारे प्लस में ही फॉर्मूले लिखेंगे, और जैसे हम डायरेक्शन बदलेंगे तो तुरंत हम उसमें फॉर्मूला किस में लिखने लगेंगे, माइनस में, आर की जगह माइनस लिखने लगेंगे। अब अगर हम इस डायरेक्शन में माइनस प्लस लिखते हैं तो ये डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो आर हमेशा प्लस लेते जाएंगे, अगर एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में पॉइंट ले रहे हैं मतलब इधर भी और इधर भी, तो अगर ये प्लस आर होगा वन होगा तो ये माइनस आर टू हो जाएगा, बस ये फर्क है। मेरी बात समझ गए कि नहीं, पैरामेट्रिक को कैसे यूज करेंगे, ये फीलिंग आया? क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि -1.2 से पास कर रही है और 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है, यानी लाइन का स्लोप पता है, थीटा पता है, और इस लाइन को इससे इंटरसेक्ट कराया गया, तो एपी डिस्टेंस निकालनी है। आपके सामने तुरंत दूसरा मेथड है, मैं भी उस मेथड पे एग्री करता हूं कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, बट आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो चीजें बहुत आसानी से सॉल्व होंगी। भाई इस लाइन से उसका इंटरसेक्शन है, दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन आ रही है, ये पॉइंट आया पी जहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए से पास कर रही -1.2, यहाँ से आर यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट का डिस्कशन आपको करना है। इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा ये हो गया और कॉस थीटा कितना हो गया, ये हो गया। तो अगर हम आर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट लिखें तो क्या लिखेंगे, -1। अब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो सब प्लस ले लो, तो आर कॉस थीटा और 2 + r sin थीटा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे होगे, समझ रहे हो कि नहीं? भाई आसान चीज है। अब ये पॉइंट सीधे लाइन पे लाई कराओ, जैसे ही लाई कराओगे क्या होगा बोलो, -1 + 2 + r 1 + √3/2 इज इक्वल टू 6 होगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ये इधर आएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 2/√3 + 1, इसी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 × √3 - 1 आंसर आ गया कि नहीं, बताओ। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन समझे कि नहीं? हमें r ही डिस्टेंस निकालनी थी, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हाँ भाई सोचो,
समझ गए कि नहीं भाई? तुरंत हम क्या कहेंगे, इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? बोलिए 3/4 tan थीटा हो गया, ये होता है, और cos थीटा चाहिए होता है, यही बोलो भाई। और तुरंत हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2+r cos थीटा कॉमा कितना 5+r sin थीटा। यही पॉइंट पी कहाँ लाइक रहेगा, लाइन पे लाइक रहा दो, जैसे ही लाइक रहोगे तो 3 × 2+4r/5+5+3r/5+4=0, यहीं से देखो r की वैल्यू आएगी, 6+5=11 और 4=15 और 12+3=15r/5। सही लिख रहा हूं मैं? तो क्या r की वैल्यू 5 आ रही है, बताओ? -5 आ रही है, बट मॉड लगा देंगे ना। अरे हाँ या ना, हमें तो चूंकि डिस्टेंस ही निकाल ली है ना। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, नहीं चाहिए आपको? मतलब ये रहा P पॉइंट, जिससे एक लाइन खींची गई जो इन दोनों लाइनों को A और B पे कट कर रही है, और P AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो भी एक्सटर्नली। इंपॉर्टेंट ये है, तो ऑब्वियसली ये रहा पहला लाइन, ये रहा दूसरा लाइन, ये रही लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि P पॉइंट से पास कर रही है 2, -3, जो कि A और B को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सही है ना? और स्पेसिफिक चलोगे तो P पॉइंट यहाँ ले लो, सही है ना, PA:PB 3:2 है, 3 बड़ा है ना, और ये पॉइंट 2, -3 है। ए पॉइंट जो है वो x-2y+7 पे है, बी पॉइंट x+3y-3 पे है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को r 3r ले ले, तो ये डिस्टेंस 2r हो जाएगी, तभी तो रेशियो 3:2 मेंटेन होगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये बताओ? तो अब बस इससे 3r यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकाल लो। मान लो लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन हमने क्या कहा, m है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, tan थीटा। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2+3r cos थीटा -3+3r sin थीटा। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2+2r cos थीटा -3+2r sin थीटा। a पॉइंट जिस लाइन पे लाई कर रहा है वहां लाई करा दो, और b पॉइंट जहां लाई कर रहा है वहां लाई करा दो। जैसे ही लाई कराओगे तो पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 2+3r cos थीटा -6 r sin थीटा +7=0। यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो कितनी आ रही है, देखो -15 whole divided by 3 cos theta and -6 sin theta। क्या सही लिख रहा हूं मैं, चेक करते जाइए। अच्छा, दूसरा पॉइंट जब लाई कराओगे तो कितना आएगा, 2+2r cos theta and -9, और साथ में क्या आएगा, -3 (-9) + 6r sin theta -3=0। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 - 10। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2 cos theta + 6 sin theta। देख लीजिए आराम, दोनों r इक्वल कर दो। जैसे r को आप इक्वल करोगे तो ये बनेगा -3 × 2 cos theta + 6 sin theta। आर और आर इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये बन जाएगा 2 3 cos theta - 6 sin theta। तो यहाँ से 2 कॉमन करोगे, यहाँ से 3 कॉमन करोगे, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा -cos theta - 3 sin theta, और यहाँ पर बचेगा cos theta - 2 sin theta। अब सब एक तरफ ले आओ, cos theta एक तरफ ले आओगे तो 2 cos theta
साइन थीटा एक तरफ ले आओगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस साइन थीटा, क्या बोलू, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, क्या वो माइनस टू आ रही है, मतलब लाइन का स्लोप कितना आ गया, माइनस टू। अब अगर लाइन का स्लोप माइनस टू आ गया तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कितनी आ गई, वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, यही आपका आंसर हो गया। दिखा क्या भाई सबको, नहीं दिख रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई, बोलिए। पैरामेट्रिक का यूज, ये मैक्सिमम यूज है पैरामेट्रिक का, इससे ज्यादा बड़ा यूज नहीं होगा, देख लो आराम से। पे लाई करेगा तो सी निकल आएगा, दो इन्फॉर्मेशन तो रेक्टेंगल के बारे में एकदम श्योर शॉट है ना आपके पास, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगनल सेम लेंथ के होते हैं कि नहीं, ये डायगनल और ये डायगनल तो सेम लेंथ का ही होगा, बोलो। तो जो इस डायगनल की लेंथ वो डायगनल बाइसेक्ट भी करते हैं, तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट 1,3 है, ये अपोजिट वर्टेक्स 5,1 है, तो मिड पॉइंट कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया भाई 3,2, और ये किस लाइन पे लाई करेगा, जो ये दूसरी वाली लाइन, और ये लाइन कितनी दे रखी है, की वैल्यू -4 आ जाएगी, y इक्वल टू 2x प्लस c, तो इस पर 3,2 लाई करा दो, तो 2 इक्वल टू 6 प्लस c, c की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -4 -4, c की बात तो खत्म हो गई। अब हमें ये दोनों वर्टेक्स निकालने हैं, d और b, तो ये दोनों वर्टेक्स इस लाइन पे हैं, r यूनिट डिस्टेंस पे, जिसका स्लोप आपको पता है, ये डिस्टेंस भी आपको पता है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है, बोलो ये पूरी डिस्टेंस पता है ना आपको, तो इसी का बाइसेक्टर तो ये डिस्टेंस होगी ना भाई, तो ये भी तो डिस्टेंस सेम होगी ना, अरे बताओ, तो ये वाली डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो कितनी आएगी, 3 - 1 और 1, तो क्या ये डिस्टेंस √5 आ रही है, चेक करियो जरा, अरे हाँ या ना बताओ भाई। Yes, sir, तो इसका अब क्वेश्चन सिंपल हो, ये वाला पॉइंट आपको दे दिया गया 3,2, यहाँ से √5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऊपर निकालना है, √5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट नीचे निकालना है, और जबकि इस लाइन का स्लोप कितना पता है आपको, 2, अगर tan थीटा 2 पता है तो sin थीटा पता है, बोलो 2/√5, और cos थीटा भी पता है 1/√5, पॉइंट भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, एक प्लस में फॉर्मूला ले लेंगे और एक माइनस, अरे हाँ या ना, तो क्या आएगा 3 + -5 cos थीटा और 2 + - कितना √5 लिखते हैं ना, √5 sin थीटा, अरे बोलो भाई, तो एक बार प्लस लोगे तो एक निकल आएगा, माइनस में लोगे तो दूसरा निकल आएगा, तो कोई एक पॉइंट बताओ, प्लस में दोनों ले लो तो 4,4, माइनस में ले लो तो 2,0। यस सर, देखो क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं ये आया जी, देख लीजिए सबका यही आंसर है, तरीका समझे कि नहीं, बस ये बताओ मुद्दे की बात। यस सर, बोलिए, समझ गए ना कैसे, क्या पैरामेट्रिक कैसे यूज किया गया और कितने सिंपलीफाई तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया गया। तो कोई भी लाइन आपको एल दी हुई है तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया, या उसको अगर मिरर बना दे तो मिरर इमेज, ये तीन चीजें अब डिस्कस होंगी। तो ऑब्वियसली मान लेते हैं ये लाइन एल है, ये पॉइंट अगर एक्स वन वाई वन है, और इससे हमें इस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हुआ, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, जिसे हमने नाम दे दिया एफ का। और अगर हम इस लाइन को एज अ मिरर की तरह ट्रीट करें तो इसकी एक इमेज पॉइंट भी आ जाएगी, जिसको हमने नाम दे दिया है क्या, इमेज आई का, दिख रहा है कि नहीं भाई, बोलो। तो अब इस पॉइंट को अगर हम कह दें एक्स कॉमा वाई है, और इस पॉइंट को कह दें अल्फा बीटा है, तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो, जिसे हम नाम दे देते हैं कैपिटल डी डिस्टेंस का। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, उसका रिजल्ट जनरल होता है डी डिस्टेंस का, कि आप सीधा लाइन, जो लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है ax + by + c = 0,
ये सब पैरामेट्रिक से ही निकाले जाते हैं, निकालने के कैसे निकाले जाते हैं उस पर मत जाइए, सीधा इस पर क्या निकालो, पॉइंट रख दो ax1 plus by1 plus c का मॉड और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको क्या मिल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, ए से लाइन पे। अच्छा अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए एफ, जिसे हमने एक्स कॉमा वाई कहा है, तो रिजल्ट लगता है एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स का कोफिशेंट, वाई माइनस वाई वन बाई वाई का कोफिशेंट माइनस साइन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये वाला और ये माइनस, सीधा ये रिजल्ट लगा दीजिएगा, एक बार इसको इक्वल करिएगा तो एक्स आ जाएगा, एक बार इसको इक्वल करिएगा वाई आ जाएगा। तीसरी इंफॉर्मेशन, अगर हमें चाहिए इमेज ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम मिरर लाइन एल, मिरर लाइन एल, तो इमेज के लिए क्या है, अल्फा बीटा है ना, इमेज ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम मिरर लाइन एल, उसको हमने क्या कहा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए सेम रिजल्ट, अल्फा माइनस एक्स वन बाई ए, एक्स वन वही पॉइंट है जिसकी मिरर में निकालना है, बीटा माइनस वाई वन बाई वाई कोफिशिएंट, क्योंकि मिरर निकालना है तो यहाँ माइनस टू रख देंगे, और सेम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी ध्यान क्या रखना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस टू, बस ये तीनों रिजल्ट आप जहां जैसी सिचुएशन पड़ेगी डायरेक्ट लगा दीजिएगा, आपको हर बार हर एनालिसिस से आंसर मिल जाएगा। आपको मिरर इमेज चाहिए, आप मिरर इमेज, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सर जो हाँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन जैसी चाहिए होगी आप वो रिजल्ट वैसा लगा के वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं भाई? सीधा सीधा एक एकदम कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ नहीं करना, सीधा डिस्टेंस लगा के आपको सारे आंसर निकाल लेने। मिरर इमेज चाहिए, मिरर इमेज आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस ऑफ लाइन एंड पॉइंट पूछा गया तो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, इसका सिंपल मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका सिंपल मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो आपसे बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछी गई है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा में पूछा गया है। नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यानी अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपसे क्या पूछा गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। समझ रहे हो, नियरेस्ट पॉइंट का यही मतलब होता है। तो बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सीधा फॉर्मूला है, वही लगा के आप आंसर लिख दीजिए। तो अगर आपसे नियरेस्ट पॉइंट पूछा गया है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा ये दोनों इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चंस में क्वेश्चन को सॉर्ट करने में डायरेक्ट यूज होती है। चलिए अब जरा नियरेस्ट पॉइंट निकाल के बताइए क्या आ रहा है। अब तो सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है भाई, तो yes. तो हम एक्स वाई मान लेते हैं, 45/25, हाँ बस 0 0 मान लो, सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लगाओगे, एक्स माइनस 0/3 वाई माइनस 0/4 इज इक्वल टू माइनस साइन, 0 0 रखेंगे तो -12/25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 25 और y कितना आ जाएगा आपका, 48/25, यही आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। दिखा क्या भाई सबको नियरेस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए ये हुआ, यानी कि आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि x1 y1 and x2 y2 are symmetric about
symmetrical about its perpendicular bisector. समझ गए कि नहीं भाई? तो आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. खुद ही कॉमन सेंस से सोचो, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के सिमेट्रिक है, मतलब x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे? जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा उसी लाइन के अबाउट ये क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे. समझ गए कि नहीं भाई? तो ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. देखा कि नहीं भाई? तो ये इसका मिरर इमेज, तो सीधा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देना. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मेरे हिसाब से आपने निकालना सीखा है ना, x x1 minus x2 plus y into y1 minus y2 equal to x1 square plus x2 square minus y1 square plus y2 square by 2, यानी कि x minus y equal to 0. ये आ रहा है क्या? बी आंसर. समझ गए कि नहीं भाई? चलिए अब इस बी आंसर से जो आया कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं. अगर आपको किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है तो कुछ मिरर इमेज के जनरल रिजल्ट होते हैं, जैसे y इक्वल टू x से मिरर इमेज, y इक्वल टू माइनस x से मिरर इमेज. ये दो रिजल्ट तो पहले यही लिखो. अगर आपको किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज चाहिए किससे, x कॉमा y है, और y इक्वल टू x लाइन से मिरर इमेज चाहिए, तो ये मिरर इमेज क्या आता है? x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये y कॉमा x हो जाता है. समझ गए कि नहीं भाई? इसको चाहो तो एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा लिख लो तो थोड़ा समझने में आसानी होगी. अल्फा बीटा की मिरर इमेज क्या हो जाती है? बीटा अल्फा. क्लियर? यहीं पे अगर आपको मिरर इमेज अल्फा बीटा की चाहिए किसके रेफरेंस से, किसके रेफरेंस में? वाई इक्वल टू माइनस एक्स से. तो अभी भी अल्फा और बीटा इंटरचेंज होंगे बट माइनस साइन के साथ, तो माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा हो जाएगा. समझ गए कि नहीं भाई? तो इसकी मिरर इमेज ये हो गई और इसकी मिरर इमेज ये हो गई. ये ध्यान रखिएगा एकदम इंफॉर्मेशन. y इक्वल टू x से मिरर इमेज में x और y इंटरचेंज, y इक्वल टू माइनस x से मिरर इमेज में x और y इंटरचेंज, बट किससे मल्टीप्लाई? माइनस साइन से. इसके बाद अगर यही मिरर इमेज आप एक्स वाई एक्सिस से निकाल लें, मतलब अगर यही सेम पॉइंट हमने कहा अल्फा कॉमा बीटा है और इसकी एक्स एक्सिस से मिरर इमेज ले रहे हैं, तो अल्फा सेम रहेगा, बीटा जो पहले प्लस था वो क्या बन जाएगा? माइनस. तो ये पॉइंट मिरर इमेज क्या आएगा? अल्फा कॉमा माइनस बीटा. किस एक्सिस से? एक्स एक्सिस से. यही सेम मिरर इमेज अगर आप वाई एक्सिस से ले रहे होंगे तो आपकी अल्फा माइनस हो जाएगा और बीटा सेम रहेगा, यानी कि आप माइनस अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा. क्लियर? यही मिरर इमेज अगर आप ओरिजिन से ले रहे होंगे तो यही मिरर इमेज अगर आप ओरिजिन से ले रहे होंगे तो अब क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों ही चेंज हो जाएंगे, तो अब ये मिरर इमेज क्या आ जाएगी बताओ? माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा. ये भी ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से निकालते हैं तो क्या आता है, वाई एक्सिस से निकालते हैं तो क्या आता है, और ओरिजिन से निकालते हैं तो क्या आता है? वाई इक्वल टू एक्स से निकालते हैं तो क्या होता है? वाई इक्वल टू माइनस एक्स से निकालते हैं तो क्या होता है? दो डायग्राम दिमाग में रखिएगा तो आप सब चीजें सिंपलीफाई कर लेंगे. तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट मिरर इमेज इन्हीं पॉइंट से दिया होता है, तो आप उसको भी यूज करके अपने आंसर को लिख सकते हैं. सिमेट्रिसिटी का यही तो मतलब हुआ ना, कि ए एंड बी आर दी मिरर इमेज of each other with respect to its perpendicular bisector. ये भी हमने ऊपर लिखा था. दिखा कि नहीं भाई सबको? तो बस आपको अब तो क्वेश्चन में आराम से सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना. क्या क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस 2, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 0. तो B और C दोनों पॉइंट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा.
अरे भाई सीधा मिरर इमेज लगा दो ना इस पॉइंट को, अगर हम अल्फा बीटा कह दें तो बी पॉइंट के लिए क्या कहोगे? अल्फा माइनस वन बाई वन इक्वल टू बीटा प्लस टू बाई माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, वन प्लस टू प्लस फाइव बाई टू, टू टू कैंसिल तो अल्फा कितना आ गया एट, माइनस एट और माइनस एट और प्लस वन तो माइनस सेवन, बीटा कितना आ जाएगा एट और टू सिक्स, तो पहला पॉइंट बी क्या आ रहा है माइनस सेवन कॉमा सिक्स, चेक करो जरा। सी पॉइंट करोगे तो अल्फा माइनस वन बाई वन, बीटा प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू आपकी माइनस टू, वन माइनस फोर बाई फाइव, एक्स प्लस टू है। हाँ तो अब निकालो अल्फा कितना आ रहा है, तो ये शायद सिक्स बाई फाइव आ जाएगा आपकी, तो वन प्लस सिक्स बाई फाइव, और बीटा कितना आ रहा है कितना आ जाएगा ट्वेल्व, टू माइनस टू प्लस ट्वेल्व बाई फाइव, तो अब जो सी पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इलेवन बाई फाइव कॉमा टू बाई फाइव। देखो क्या सही है बी और सी दोनों, तो अब बी सी लाइन की इक्वेशन लिखो, कैलकुलेशन ठीक है ना? यस सर। तो BC लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, y माइनस टू बाई फाइव अपॉन x, y इधर मत करो सब एक ही तरफ कर लो, तो y माइनस सिक्स अपॉन x प्लस सेवन इक्वल टू सिक्स माइनस टू बाई फाइव अपॉन माइनस सेवन माइनस इलेवन बाई फाइव, तो इसी को सॉल्व करो, थर्टी थर्टी माइनस टू और थर्टी फाइव और दिस फोर्टी सिक्स, मतलब माइनस फोर्टीन बाई ट्वेंटी थ्री, प्लस वन थर्टी एट इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन एक्स माइनस नाइन्टी एट, तो आंसर शायद फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी थ्री वाई और साथ में आ रहा है माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो। देखो क्या यही आंसर है, माइनस थर्टी फोर्टी, ठीक है कोई ऑप्शन क्या ये? यस 14x 23y में सी आंसर है भाई। यस सर। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ। यस। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, मतलब इस पर रिलेटेड एक रिजल्ट और है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, जैसे हमने ये खींचा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल का, तो उसके बाद जो साइड होती है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होती है, मतलब ए बी सी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो हम कहेंगे कि ए बी, मतलब साइड ए बी एंड बी सी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो ये एंगल बी के अबाउट एक दूसरे की क्या हो जाती है मिरर इमेज। समझ गए कि नहीं भाई? तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर हम ए पॉइंट का इमेज निकालना चाहें तो ए पॉइंट का मिरर इमेज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के रेफरेंस में अगर निकालोगे तो वो कहाँ लाई करेगा बोलो? बीसी लाइन पे, वो बी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वो लाई कहाँ करेगा बीसी लाइन पे। ऐसे ही अगर हम सी का मिरर इमेज निकालना चाहें, किसका भाई, ऐसे अगर हम सी का मिरर इमेज निकालना चाहें तो वो भी कहाँ लाई करेगा बताओ? ए बी लाइन पे, बट वो ए होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वो लाई कहाँ ए बी लाइन पे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको एज अ मिरर ट्रीट कर लें इस बाइसेक्टर को, तो इन दोनों का जो मिरर इमेज आएगा वो हमेशा यहीं लाई करेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा, इन पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है कई कर रहे भाई। आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो स्लोप तो मिल ही गया, अगर आप पॉइंट निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। ए बी सी, तो आपसे क्या कहा गया है कि एल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ दिया हुआ, देखो
बी से ही अल्टीट्यूड दिया हुआ है। अच्छा चलो ऐसे नहीं, यहाँ से आपको अल्टीट्यूड दिया हुआ ये, और इस एंगल का बाइसेक्टर भी दिया हुआ ये, ऐसा है। तो अल्टीट्यूड की इक्वेशन कितनी दे रखी है, 7x-10y+1, और बाइसेक्टर दे रखा है 3x-2y+5। ये है सिचुएशन, दिखा सबको कि नहीं? तो हम क्या करेंगे बताओ, पहले तो दोनों लाइन सॉल्व करके बी पॉइंट निकाल लेंगे, एक इंफॉर्मेशन खत्म, और फिर मिरर इमेज निकाल लेंगे। बोलो भाई क्या कहते हो? तो ए का जो मिरर इमेज होगा किसके रेफरेंस में, एंगल बाई सेक्टर के रेफरेंस में, मतलब 3x-2y+5=0 के रेफरेंस में, वो बीसी लाइन पे लाई करेगा। तो बस यही मिरर इमेज निकाल लो। तो α-2/3 = β+1/-2 = -2, 6+2+5/13। तो यानी कि अल्फा कितना आ गया, -6+2 -4, और बीटा आ गया आपका 4 3। तो ये जो पॉइंट आ गया A1, ये आपको मिल गया -4, 3। देखो जरा सही है भाई। और दूसरा बी पॉइंट निकाल लो, तो बी पॉइंट क्या आ जाएगा, इसी को बस सॉल्व कर लो। तो 7x-10y = -1 और 15x-10y = -25 ++-8x = 24। x शायद -3 आ रहा है ना, देखो, और जब x को -3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, देखो y कितना आ रहा है, x को -3 रखो, y कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है क्या, y कितना आ रहा है, -2, देखो जरा, अरे हाँ यार ना भाई, y कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, -2 ठीक। तो अब आपको बी पॉइंट भी मिल गया, दैट इज -3, -2। अब तो बीसी लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, y+2/x+3 = 3+2/-4+3, तो 5/-1। तो आंसर क्या आ रहा है, y-2 = 5x+15, यानी 5x + y और +17 = 0 है ऑप्शन बी। देखिए क्या आंसर आया, बी आया कि नहीं? तो क्या है मिरर इमेज का यूज समझ में आया सबको? बोलो यस सर। ठीक है ना, तो देखो एक तो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि आपने कहा कि एक सोर्स है, उससे एक लाइट रे आपने डाली जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट बी से पास करी, सही है, ए से डाली बी से पास करी, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया सोर्स, ये पॉइंट आपको गिवन है ना, और ये भी गिवन है, और आपको इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये लाइन मिरर है, ये लाइन भी गिवन है। पहला तो सिचुएशन ये होगा, तो हम सीधा क्या करेंगे, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इस पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा उससे ही ये लाइन पास करेगी, हाँ या ना जवाब दो। तो हम बस ये पॉइंट निकाल लेंगे a डैश क्या होगा, इमेज ऑफ, वो भी कैसी, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर l, ये हमें लाइन l गिवन है, समझ गए? तो a पॉइंट मिल जाएगा, b पॉइंट मिल जाएगा, बोलो फाइंड a डैश b, यही आपका आंसर हुआ। ये आपको इंसिडेंट रे दिया हुआ है और आपको रिफ्लेक्टेड रे निकालना है। अब आपको ये लाइन दिया है L1,
दैट इज इंसिडेंट रे, ये गिवन है और हमें रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करनी है। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमें इंसिडेंट रे गिवन है और हमें रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करनी है, ये L2 हमें फाइंड करनी है, और हमें ये लाइन गिवन है L, मिरर लाइन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, ये L जो है वो क्या है, मिरर लाइन गिवन है। सही है? तो पहले दोनों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, ए इसको फाइंड कर लेंगे कि नहीं। सॉल्व L1 एंड L, तो A मिल जाएगा। अब अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालने तो काम हो जाएगा। उसके लिए हमको पता है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है, तो इसमें हम ये टेन थीटा लगा देंगे। ऑब्वियसली अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल सेम होते हैं तो ये दोनों एंगल तो सेम हो गए ना, ये वाला और ये वाला, तो बाकी बचे हुए एंगल भी सेम हो गए। तो अब हमें इस लाइन का स्लोप पता है m, इस लाइन का स्लोप m2 हमें फाइंड करना है, और इस लाइन का स्लोप m1 हमें पता है, तो बस tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो दोनों साइड से एंटी क्लॉक सेंस में। तो tan थीटा पहले वाले में क्या होगा, एंटी क्लॉक सेंस में m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m m2, और दूसरे में क्या होगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1। और इसी इक्वेशन का यूज करके क्या फाइंड कर लो, m2, इसी में क्या फाइंड कर लो m2। इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, या तो कुछ कॉन्सेप्ट मिरर इमेज से हो जाएंगे रिफ्लेक्शन में, या बहुत ज्यादा सिचुएशन होगी तो ये एंगल में हो जाएंगे। तो एक बार m2 मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो क्या हम रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिख लेंगे? बोलो, यूज m2 एंड पॉइंट a, तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया भाई? बोलिए, इससे ज्यादा वेरिएशन इस पे नहीं होगा रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन पे यही दोनों वेरिएशन हो सकते हैं, इनमें से जो वेरिएशन होगा वो आप ले। बोलिए, ये था ए पॉइंट, क्या था, 1, 2, यहां से पास कर रही, रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, एक्स एक्सिस से। तो इसका मिरर में सीधा एक्स एक्सिस से निकालना आपने सीखा है कि नहीं, 1, -2, यही रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये कहां से पास कर रही है, 5, 3, तो इक्वेशन सीधा क्या लिखोगे, y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 1। क्या बोलते हो भाई, समझ गए कि नहीं, 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, तो 5x माइनस 4y और माइनस 13, एक्स एक्सिस से मिरर में निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यही ना, 1, -2 और 5, 3 से देखो, ओह ये गड़बड़ कर दिया ना, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 + 2 5 - 1, 3 + 2 5, 4, 4x 8, 5x - 5, तो आंसर क्या आ रहा है, 5x - 4y इक्वल टू 13। है कोई ऑप्शन क्या, देखो यही आ रहा है क्या, सर आया तो यही है, देन ऑप्शन प्लस दे रखा है बस, ये करेक्शन कर लो, यहाँ 13 नहीं, यहाँ 13 होना चाहिए, 3 लिखा है ना ये। बोलो भाई। यस सर। रिफ्लेक्टेड थ्रू पॉइंट बी, सही है, एंड एक सेकेंड, अ लाइट रे पासेस थ्रू पॉइंट ए रिफ्लेक्टेड टू पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, देन पासेस थ्रू 5, 3, देन द इक्वेशन ऑफ ए बी। अरे नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे पूछ रहा है, ए बी की इक्वेशन पूछ रहा है भाई। यस सर, यस सर। तो अभी आपने क्या निकाला, अभी तो हमने रिफ्लेक्टेड रे निकाला ना, और इस रिफ्लेक्टेड ए में हम क्या पुट कर देंगे बताओ, y इक्वल टू 0, तो हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। जैसे बी पॉइंट निकालोगे कितना आएगा बोलो,
y इक्वल टू जीरो रखो इसमें, तो हमें b पॉइंट के 13/5 कॉमा जीरो। आप बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी कितना होगा, तो y माइनस टू अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू 2/1 − 13/5। अब सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है ये 10/-8 मतलब −5/4, तो 4y − 8 इज इक्वल टू −5x + 5, तब आंसर आएगा 5x + 4y = 13। समझ में आया कि नहीं, देखो ये आंसर आया, दिखा भाई सबको, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं बताना है, समझ में आया, ये करेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें ए बी लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हमें ये बी पॉइंट निकालना पड़ेगा जो कि कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो पहले ये रिफ्लेक्शन निकालो फिर ये पॉइंट निकालो, देख लीजिए आराम से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन।